नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के दुनिया भर में फैलने के बाद लोगों को घरों से निकलने से पहले मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। हालांकि अब इसके नुकसान भी सामने आने लगे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण यानी कोविड-19 के सेंटर रहे वुहान में बीते दिनों मास्क पहनकर रनिंग कर रहे शख्स के फेफड़े दबाव के चलते फट गए। फिलहाल वह अस्पताल में जिंदगी की जंग लग रहा है। इससे पहले भी 14 साल के एक लड़के की मास्क पहनकर रनिंग करने के चलते कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। बीजिंग में मास्क पहनने की अनिवार्यता समाप्त करने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 26 वर्षीय ये व्यक्ति करीब 3 मील तक दौड़ चुका था और अचानक उसके फेफड़े पर दबाव बढ़ गया और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद ये पार्क में ही बेहोश हो गया और इसे वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस व्यक्ति के फेफड़े की 3 अहम सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क पहनकर रनिंग करने के चलते उसके बाएं फेफड़े में छेद हो गया था, वहां से हवा निकलने लगी थी। इस दबाव का असर दिल पर भी पड़ा और वह भारी दबाव के चलते बाएं से दाएं खिसकने लगा, जिससे फेफड़ों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले चीन के ही बीजिंग में एक 14 साल के बच्चे की मास्क लगाकर दौड़ने से मौत हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़े पंचर हो जाने की स्थिति को न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। इसमें फेफड़े पंचर हो जाते हैं और हवा फेफड़े और चेस्ट वॉल के बीच भर जाती है। इसके बाद आदमी के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क पहनकर रनिंग करने से फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। ऐसे रनिंग करने से फेफड़ों को क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है और वे जवाब दे देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।